किसी कार्य का श्रेय लेने में सेना बीजेपी में मची होड़ एक बार फिर सामने दिखाई दी। इस बार गोंडी के शताब्दी हॉस्पिटल के कार्यक्रम में यह देखने को मिला। बीएमसी के शताब्दी हॉस्पिटल नाम से चर्चित गोंडी के पंडित मदन मोहन मालवीय शताब्दी अस्पताल को भव्य रूप देने के लिए शनिवार को महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, सांसद राहुल शेवाले और विधायक तुकाराम काते की उपस्थिति में भूमि पूजन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस अस्पताल की इमारत 8 फ्लोर की होगी, जिसमें 500 से ज्यादा बेड होंगे और ऑपरेशन से लेकर सभी ट्रीटमेंट के लिए अत्याधुनिक मशीनें व उपकरण होंगे। इससे क्षेत्र के लाखों लोगों को फायदा होगा। इस कार्यक्रम के दौरान मजे की बात यह रही कि इसे बनाने का श्रेय सत्ताधारी पार्टी के दल शिवसेना और भाजपा दोनों ही उठाने में जुट गई है। आयोजन स्थल के मेन गेट पर भाजपा और शिवसेना दोनों ने अपना अपना बैनर लगा रखा था। साथ ही यह देखने को मिला कि इस कार्यक्रम के मंच पर क्षेत्र का कोई भी भाजपा नगर सेवक, नेता, पदाधिकारी या बड़ा कार्यकर्ता नजर नहीं आया। हालांकि इस कार्यक्रम के आयोजक तुकाराम काते ने बताया कि हॉस्पिटल बनने से क्षेत्र के लोगों को कितना फायदा होगा। ये अनुशक्ति नगर विधानसभा, चेंबूर विधानसभा, शिवाजी नगर विधानसभा, जितने भी पब्लिक हमारे जो नागरिक है, जो रुग्ण है, जिनको जो डंपिंग ग्राउंड से जो टीबी होता है, जिसको दमे की बीमारी होती है, जिसको कैंसर होता है, उनको सभी बीमारी जो होता है वो सब रुग्णा को ये हॉस्पिटल बहुत फायदेमंद हो जाएगा। और बहुत सायन हॉस्पिटल में जाने के लिए हम लोग को बहुत तकलीफ होता है, कैंप में जाने के लिए तकलीफ होता है, इसलिए वो धरती का जो हॉस्पिटल मंगता है वो हॉस्पिटल हम लोग इधर मुंबई महानगर पालिका की तरफ से बना रहे हैं और सभी को फायदा हो जाएगा। कब से पाठ पुरावा कर रहे थे आप? कितने? मैं 26 जुलाई 2005 से जब इधर जो रूम जो आए थे, पेशेंट आए थे, उनको खटिया नहीं थी, जब भी वो रूम जो हॉस्पिटल कम पड़ रहा था, जब भी से मैं पाठ पुरावा कर रहा हूँ। और पाठ पूरा करते करते अभी उद्धव साहब ने भी बहुत मदद किया है, राहुल शेवाले ने भी मदद किया है और अभी भूमि पूजन हुआ है। ह्याचा पाठ पूरा खूप मी केलेला आहे, खूप म्हणजे पाठ पूरा खरं म्हणजे आपल्या जो आपला जो उद्या पितृपक्ष चालू होतोय म्हणून आम्ही हे घेतलंय, त्यासाठी घेतलं नाही। कॅमेरामॅन रोशन गायकवाड के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई।